होती हैं उसमें, उसमें एक तो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं वर्ब्स की जो सबसे पहली लाइन है वो फर्स्ट फॉर्म है, दोज आर बेसिक वर्ब्स, ठीक है, वो जो हम रोज के करने वाले काम होते हैं उनमें यूज़ करते हैं हम। सोनाक्षी बात समझ में आ रही है? ओके। दूसरा फिर है हमारे पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर तीसरी है थर्ड फॉर्म, तीन लाइन्स हैं आपके पास, चौथा मीनिंग दिया हुआ बीच में, वो मीनिंग हिंदी वाला नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो इंग्लिश वाला है वो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ये हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, ये भी हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये सीखेंगे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आ रही है? डोंट शाउट। नाउंस, एक और चीज, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना तो आपको बोलना पड़ेगा यस सर नहीं, नाउंस बोलो 10 बार बोलो साथ में, तभी आपको आएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा आपको ना दिक्कत नहीं होगी। मुझे सोनाक्षी की आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, जोर से। या नाउंस, नाउंस क्या होते हैं यू नो, पता है किसी को? नाउंस आर नेम्स। देखो साथ साथ, नाउंस आर नेम्स, नाम होते हैं, नाउन स्पीड से लिखते रहो, ठीक है? यहाँ से नेम से आपको क्या समझ में आ रहा है? नेम्स मतलब नाम, किसके नाम, ठीक है, किसी व्यक्तियों के नाम, बंदों के नाम, लड़कियों के नाम, ठीक है, तो नेम्स ऑफ पर्सन, पर्सन्स यानी व्यक्ति। PERSONS, मैं दोबारा लिख देता हूँ अच्छे करके। व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, गिव एग्जांपल प्रियंका, एग्जांपल बताओ, एग्जांपल का मतलब पता क्या होता है? मतलब कुछ ऐसी नाम लेके बताओ मुझे। आपने सोनाक्षी का नाम भी लिया? रसन। अच्छा, आप दोनों नहीं बात करते आपस में? करते हो? ठीक है, तो ये पर्सन्स के नाम थे अभी जो आपने बोले, सोनाक्षी समझ में आ गया? ओके, अब ये है प्लेसेस, प्लेसेस मीन्स जगह, स्थान,
डेट्स का पता है सबको क्या होते हैं सोनाक्षी सेठ, बैठ के बता दो आप, जल्दी बताओ जल्दी आंसर चाहिए। स्टेट मतलब क्या होता है वो ठीक है, आपने प्लेसेस बताए बहुत अच्छी बात है। स्टेट का मतलब होता है राज्य, ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मुंबई, राजस्थान, ये सब स्टेट्स हैं, ठीक है। तो स्टेट्स हो गए, लाल किला, ताजमहल वगैरह सब प्लेसेस हो गए, ये एक प्लेस है, बाहर अलग प्लेस है ना, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, ये सब प्लेसेस हैं। तो इनके नाम भी नाउन्स हैं, ठीक है, यानी नाउन्स में क्या क्या आता है, नेम्स ऑफ, ये ऑफ है, ऑफ यहाँ पर ऑफ लिख लो, ऑफ किन के नाम, पर्सन्स के नाम, प्लेसेस के नाम, INGS things, ठीक है, ओके थिंग्स। अब चीजों के यहाँ इसका मतलब है चीजें, ठीक है, तो चीजों के नाम बताओ, से द नेम्स, पेन, हमेशा जब भी एग्जाम्पल देनी होती है ना तो अपने आसपास जल्दी से देखा करो, टाइम नहीं लगाना है। पेन, पेंसिल, कार, बोर्ड, गेट, 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 हाँ, शूज, सॉक्स, शर्ट, पेंट, राइट, हेयर स्टाइल, फोन, मैम, है ना, ये सब चीज़ें, मैम तो नहीं मतलब, लेकिन बाकी की चीज़ें जिनमें जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, एवरीथिंग क्लियर है, ओके। अब मैं ना आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखा देता हूँ, ठीक है, सबने लिख लेना, यहाँ पर लाइन लगा लो, जो आपने लिखा है उसमें लाइन लगाओ, नीचे नीचे यहाँ पर लाइन लगाओ, हाँ ऐसे, बिल्कुल गुड, ओके। नाउन्स आर द नेम्स ऑफ person, place, thing, or idea. हिंदी स्टोरी भी इन तीनों में से कोई अलग नहीं है। Only 15 minutes. कौन सा ये एन जी ठीक है, क्लियर होगी ये चीज, इसको ना डेफिनेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, डेफिनेशन मतलब मीनिंग बताया हुआ है प्रॉपरली कि नाउन का मीनिंग क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अब ये आइडिया मैंने आपको नहीं समझाया, यहाँ तक हमने कर लिया था, आइडिया का मतलब होता है ख्याल, स्कीम, आइडिया आ गया मेरे दिमाग में, मतलब सोच आई आपके दिमाग में, थॉट आई आपके दिमाग में, विचार आया आपके दिमाग में, याद है,
नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया ठीक है चार चीजें इसमें पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया समझ में आ गया है ओके ये मैंने कुछ लिखे हैं इसमें से आपने ये बताना है कि इसमें से नाउन्स कौन से हैं तो सबसे पहले सोनाक्षी बताएगी जोर से बोलो जोर से ये नाउन है सोनाक्षी बेटा अगर आप बोलोगी नहीं ना तो आप सीख भी नहीं पाओगी ऊंचा बोला करो कितनी बार बोला आपने से ज्यादा वही सीखेगा जो ज्यादा बोलेगा और जोर से बोलेगा राहुल नाउन है राहुल नाउन है सोनाक्षी आपने इधर उधर नहीं देखना आप अपना बताओ गलत हो जाएगा कोई बात नहीं हम सीख रहे हैं ना गलतियां तो करोगी करोगे हाँ मैं बता देता हूँ क्या क्या है राहुल है सीता है दिल्ली है पेन है पेंसिल है मुंबई है अब इसमें बता दो प्लेस कौन था थिंग कौन सा था सीता नाउन है ओके मुंबई प्लेस है नाउन है कि नहीं है ये बताना है नाउन बता हाँ नाउन कीप क्वाइट यू आर टेलिंग द आंसर्स फास्ट फास्ट प्रियंका आपने एक भी नहीं बताया है मैंने अभी क्या बोला गलतियां होंगी तो गलतियों करने से नहीं डरो फास्ट 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 मेरे को तो लग रहा है और कोई भी नहीं है यहाँ पर नाउन आपको लग रहा है प्रियंका नाउन है कौन सा है सोनाक्षी हैरी कहना चाहता है प्रियंका या नाउन कौन सा हैरी इनमें से नाउन कौन से हैं पेन पेंसिल मुंबई सीता राहुल दिल्ली सारे हैं सारे नाउन हैं इसमें देखो पहले तो प्लेस है फिर नेम है उसके बाद क्या थिंग्स थिंग्स यानी चीजें हैं तो नेम भी तो नाउन ही हैं आपको क्या लिखवाया था अभी अभी नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग आइडिया अभी राहुल और सीता ये पर्सन हो गए दोनों राहुल सीता सीता है ना पर्सन हो गए फिर आपको क्या लिखवाया था पर्सन के बाद प्लेसेस ठीक है दिल्ली प्लेस है जगह का नाम है मुंबई जगह का नाम है नाउन है दोनों फिर थिंग चीजें ये भी नाउन है क्लियर हो गया कुछ कुछ समझ में आया या सब पूछा कैसे यहाँ जितनी भी सारी चीजें थारी ये सारी थिंग्स हैं आप ये सारे नाउन है एवरीथिंग किसी भी चीज का जो नाम है कोई भी चीज है नाउन है ये कोई भी बंदा है कोई भी लड़की है नाउन है सोच है विचार है मन में आइडिया आया नाउन है फीलिंग आई मैं उदास हूँ नाउन है उदासी नाउन है बात समझ में आ रही है मैं खुश हूँ तो खुशी क्या है नाउन है क्लियर हो गया है कोई डाउट है पूछना है पूछ सकते हो 10 बार पूछो 100 बार पूछो एक और एग्जांपल ले
इसके बताना पड़ेगा। यस, नाउन्स बताओ जिस जिसका आपको पता है। डेफिनेशन याद रखो नाउन की। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग आइडिया, राइट, थिंग और आइडिया। तो सबसे पहले तो इसमें से देख लो कि पर्सन कोई है। वो केयर है, केयर मतलब किसी की देख रेख करना, संभालना। नाउन चलो इसको ना कार बना देता हूँ, केयर थोड़ा शायद आपको नहीं समझ में आया। जोर से बोला करो सोनाक्षी। हाँ गुड। और एक और है, ये किड है के आई डी, ठीक है। ये एस ओ एन सन, ये फादर एफ ए टी एच ई आर फादर, ये लव यानी प्यार। सन नाउन है, और भी है कुछ? अगर सन है तो फादर भी है, तो सारे ही नाउन है। ये प्यार भी एक चीज है, ठीक है, प्रोडक्ट है। केट यानी बच्चा, सन यानी बेटा, फादर यानी पिता, ये भी नाउन है। ऑल आर नाउन। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। आप में से रूटीन लिखी है किसी ने? हाँ रूटीन चेक कराओ, कल भी आप सभी ने चेक नहीं करवाया था। नहीं चेक नहीं करवाना अभी, सिर्फ ये बताओ रूटीन लिखी है क्यों? मैंने तो आप लोगों को लिख के बताया था कि पूरा लिखा था मैंने, फिर रूटीन इनको दिया था। देखो काम ना आपको पूरा करना है, पढ़ाई तो इतनी ज्यादा है ना। शिव आपने किया है कल की रूटीन, परसों की रूटीन लिखनी है। इट्स टू बैड, लिखनी ही है। अगर आपको पढ़ना है तो जबरदस्त तरीके से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। मेरी बात समझ में आई? कल चेक करा दो। कल कैसे करवाओगे आप? परसों तो मैंने आपको लिख के दिया था, मैंने सोचा कि परसों लिखा होगा अपनी रूटीन। अब कब आज की रूटीन लिखवा, कल चेक करवाओगे ना सारे? सबसे पहले सुबह आप सबको चेक करवाना है, ठीक है? ओके प्रियंका सोनाक्षी फोकस है। सेंटेंसेस किए थे हमने, ठीक है। सेंटेंसेस करेंगे जो जो रूटीन में काम आते हैं, हमारे दिन में काम आते हैं। तो रूटीन में सबसे पहले आप लिखते हो गेट अप, ठीक है। ओके इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म क्या होगी? गेट अप, गेट अप, वो सेम ही मतलब है। चलो मैं आपको बताता हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ होती है हम वो सीखते हैं अभी, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर आप कोई काम रोज़ ही कर रहे हो। आप रोज़ उठते हो, आप रोज़ सोते हो, आप रोज़ खाते हो, आप रोज़ फ्रेश होते हो, आप रोज़ फेस वॉश करते हो, आप रोज़ अभी नहाते हो कि नहीं नहाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन रोज़ नहाना भी उसी में आता है।
ड्रेसअप होते हो, रोज़ कपड़े पहनते हो रोज़, ठीक है, रोज़ स्टडी करते हो, रोज़ काम करते हो, रोज़ बर्तन धोते हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये रूटीन वर्क है, रूटीन यू अंडरस्टैंड, रोज़ के होने वाले काम। मैंने क्या बोला? रोज़ के होने वाले काम, जो भी रोज़ के होने वाले काम हैं, डेली वर्क, ये आप लिख लो साथ साथ, डेली वर्क जो भी है उनमें वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ें बता रहा हूँ साथ साथ, हर चीज़ जो भी मैं बोलता हूँ ना वो सीखने वाली ही है, जो जितना पकड़ लेगा और सीख लेगा और इस्तेमाल कर लेगा वही आगे जाएगा। अगर आप सीख रहे हो और इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इस्तेमाल मतलब यूज़ नहीं कर रहे हो, व्हाट इज दिस, जो इस्तेमाल नहीं करेगा, अप्लाई नहीं करेगा, वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो डेली वर्क जो भी होंगे हमारे रोज़ के होने वाले काम, उनमें वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जितनी आदतें हैं हमारी उनमें भी वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आदतें मतलब जैसे मैं चाय बहुत पीता हूँ, तो चाय पीना मेरी आदत है, तो दैट इज़ हैबिट, हैबिट, यू अंडरस्टैंड हैबिट, या ठीक है। और एक है यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है कभी नहीं बदलने वाला सच, प्राकृतिक सच, जैसे सूर्य पूरब से उदय होता है, पश्चिम में छिपता है, तो ये कभी नहीं बदलने वाला है। वो हमारे से पहले भी ऐसी था, हमारे दादा के दादा के दादा से पहले भी ऐसी था, और हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बाद भी ऐसे ही रहेगा, तो ये कभी नहीं होने बदलने वाला सच है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, लिख लो सब जल्दी। That is my responsibility. That is my responsibility. Right.